जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। उसका पैर न फसल जाए या घबरा कर भाग न जाए और वो बस भी करो, तुम तो लड़कियों जैसी टेंशन ले रहे हो। तो कैसा रहा मोगली? मैं शिकार के टेस्ट में फेल हो गया, मैं भेड़ियों के साथ शिकार नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या था? फियोना ने फिर से चाल चली। वो कभी बाज नहीं आएगा। फिक्र मत करो, हम अकेला को कहेंगे तुम्हें एक और मौका दे, सच्चाई जानने के बाद वो जरूर कुछ करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अकेला कह रहा था कि उसे भी यही लगता है कि मैं शायद ही एक अच्छा शिकारी भेड़िया बन सकता हूँ। बकवास, मुझे लगता है तुम्हें बस एक अच्छा मौका चाहिए। यही रुको, हम अभी आते हैं। मोगली को एक और मौका मिलना ही चाहिए। मोगली के लिए फियोना की दुश्मनी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और मोगली को रास्ते से हटाने के लिए फियोना कुछ भी करेगा। तो ठीक है, मोगली से कहना कि सूरज ढलने के बाद पानी के पास आकर मिले। मैं फियोना को वहाँ से दूर रखने की कोशिश करूँगा, हालांकि ये इतना आसान नहीं। अगर मैं फियोना के ना रहते हुए भी शिकार ना कर पाया तो, और अकेला का शख्स सही निकला तो, और मैं कभी भी जून के साथ शिकार पर ना जा पाऊँ तो, फिर तो मेरा सबसे बड़ा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, लगता है किसी को विशिंग ट्री के बारे में पता ही नहीं है। विशिंग ट्री? वो कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ जो तुम्हारी भेड़ियों के साथ शिकार करने की इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तो मजा आ जाएगा। पर सच में हमारे जंगल में ऐसा कोई पेड़ है? हाँ बिल्कुल है, मेरी भी एक इच्छा थी, दर्द ना होने की इच्छा। मैं पेड़ के पास गया और देखो देखो अब मुझे गुदगुदी होती है। अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो किसी और को पूछ लेता हूँ, शायद फियोना जाना चाहेगा। नहीं रुको, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। बहुत खूब, आज तुम्हें पता चल जाएगा जंगल में एक विशिंग ट्री भी है, और साथ ही ये भी कि ये जंगल की सबसे बेहतरीन जगह है। क्या बात है, तो अपनी इच्छा कैसे मांगते हैं? आसान है, इन जड़ों से होते हुए अंदर इसके तने तक जाओ, उसे गले लगाओ, आंखें बंद करो और अपनी इच्छा जोर से चिल्लाकर बोलो। मोगली, मोगली, अकेला ने कहा है वो तुम्हें। मोगली, वो कहाँ गया? वो जहां भी गया हो वो शैतान गीदड़ उसके साथ है। बाकी पता नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। वो उसे कहीं भी ले जाए फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उसका आकार। शेर खान, अरे नहीं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? अब चलो जल्दी, चलो इस तरफ बलू। तो ये है इसका तना। अच्छा तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत ही खास इच्छा मांगने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक बेहतरीन शिकारी बनूं, ताकि अकेला मुझे अपने भेड़ियों के शिकारी झुंड में जगह दे दे। सुन लिया ना?
एक बार फिर से बोलूं क्या? हाँ हाँ सुन लिया। शेर खान रुक जा, मैं भी एक शिकारी हूँ मोगली, मैं भी तेरी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब तक तेरा नाश्ता करता हूँ, कुछ ही देर में शेर खान उस विशिंग ट्री के अंदर मोगली का शिकार करके आ जाएगा। तबाकी तू तो कमाल है, तेरे दिमाग में कहीं कंप्यूटर तो फिट नहीं है? अच्छा तो तुमने झूठ मूठ की विशिंग ट्री की कहानी बनाई ताकि शेर खान मोगली का शिकार कर सके? बोलो। बिल्कुल सही समझे। तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले बताओ वो पेड़ कहाँ है। बबलू, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो शेर खान मेरी चटनी बना देगा। अगर तूने नहीं बताया तो हम तेरा सॉस बना देंगे। अरे नहीं, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, पर पहले मुझे नीचे तो रखो। वो तुम्हारी आखिरी इच्छा थी मोगली? अब बताओ मोगली कहाँ है? ओहो गलती हो गई, माफ करना दोस्तों, ये नहीं है, सभी बरगद के पेड़ एक ही जैसे दिखते हैं। मैं भी ना, उधर देखते हैं। कितने बेवकूफ हो बरखुरदार जो उस तबाकी के कहने पर आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि ये सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ है, ये किसी की इच्छा पूरी नहीं करता। जो भी हो पर मुझे खाने की तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अभी देखते हैं। धत तेरी की, फिर से गलत जगह आ गए। कहीं तू हमें जानबूझकर इधर उधर तो नहीं घुमा रहा गीदड़ के बच्चे? अरे नहीं नहीं, मैं तो सपनों में भी ऐसा नहीं करूंगा बलू। ओह हाँ याद आ गया। जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है दोस्तों। हेलो, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? बस थोड़ा और नीचे करो बलू। जैसा तुम कहो बगीरा। अरे नहीं 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 मम्मी, मैं सही जगह ले चलता हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं ले चलूंगा सच्ची। अब कोई फायदा नहीं, तू फंस चुका है। किसने विशिंग ट्री की आत्मा को परेशान करने की कोशिश की? विशिंग ट्री की आत्मा को बहुत दुख हुआ। अब तुम नहीं बच पाओगे। विशिंग ट्री की आत्मा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया, मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। बलू, बघीरा, मोगली। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुम्हारा शेर खान से सामना हुआ था? ओह हाँ, मुझसे उलझने आया था वो, पर मैंने उसकी बैंड बजा दी। तुमने उसकी बैंड बजाई और वो भी अकेले? और नहीं तो क्या, मैंने कर दिया। इसका मतलब मैं भेड़ियों के साथ शिकार करने के लायक हूँ, है ना? और आज शाम तुम्हें अकेला को ये हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ओह ये तो बहुत अच्छी खबर है, और अगर फियोना ने इस बार अपनी कोई चाल चली तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तैयार हो मोगली? जाओ।
पर कोई चाल नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगता है क्या वो फियोना की चाल नाकाम कर पाएगा? मैंने कर दिखाया बलू, बघीरा अकेला ने मुझे शिकार के लिए हाँ कह दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।